हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जेल ओवर पिजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई कबूतरों के लिए भाई दाना मैं आपको बता रहा था भाई, बहुत ही ताकतवर जिसे कहते हैं कबूतरों के भाई डाइट में हर कोई भाई भाई ये इंक्लूड करे, ठीक है भाई। कैल्शियम का पूरा भरपूर प्रोसीजर है, आपको दिखाऊँगा मैं। मतलब भरपूर कैल्शियम जो अंडे से बंद मादिन होती है उसके लिए बहुत बढ़िया है। जिसका पल्ला लटक जाता है या कैल्शियम की कबूतरों को कमी हो जाती है तो उसके लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है भाई, ठीक है। बाकी भाई वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी जरूर बताना। और भाई दाने में ये सर्दी हो या गर्मी भाई आप दे सकते हो उसको, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपसे साथ साथ बात दिख रहा होगा भाई आपको, ठीक है। अभी मैं और सही से दिखा दूँगा मैं आपको, ठीक है। ये है भाई, ये इसे भाई सरसों मत समझ लेना, ठीक है भाई। सरसों नहीं है, ये अलग है भाई। इसका नाम भी मैं आपको बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा भी, ठीक है दोस्तों। भाई छोटी सी वीडियो आ रही थी अपने कबूतरों की डाइट में क्या क्या इंक्लूड है, और खाते ही भाई बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं ये। एक बारी लत लग जाए तो भाई कबूतर बहुत प्यार से खाते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको दिखाते हो साथ साथ बाप को बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है इसे कहते हैं भाई, दिख रहा होगा आपको, सही से दिखा देता हूँ बिल्कुल ये, और थोड़ा सही से, ठीक है। ठीक है भाई, आधे भाइयों को भाई समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, और आधे भाइयों को भाई मैं बता देता हूँ जो फ्रेशर है, ठीक है भाई। इसे रागी कहते हैं भाई, ठीक है। कैल्शियम का भाई भरपूर पोषण जिसे कहते हैं भाई इसमें पड़ा होता है आपके पास, कबूतरों के लिए भाई बहुत फ़ायदेमंद जिसे कहते हैं ना दाने के अंदर, कबूतरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है ये, और कबूतरों के पेट वेट के लिए बहुत सही चीज़ होती है भाई। पल्ले जिस कबूतरों के लटक जाते हैं, मादिन अंडों से बंद हो जाती है, या मादिन कैल्शियम के चक्कर में पैर अपने पैर भी रोक देती है, उसके भी बहुत अच्छा काम आता है ये, ठीक है भाई। ये देना कैसे, देने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ भाई। पर मतलब ये नहीं कि आपको पेट भर के ये देना है, ये पेट भर के नहीं देना आपको, ये आपको पेट भर के नहीं देना, ये इतना देना है कि बस कबूतरों के जैसे कहते हैं ना कि 10-10, 12-12, 20-20 दाने पेट में आ जाए, बस इतना ही आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना। जैसे मैं अभी कबूतरों को दाना डाल चुका हूँ, और भाई रागी से पहले उठाते हैं, बाकी आपके सामने मैं दोबारा से डाल के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। मैं इतना ही डाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा, देखो रागी डालते ही दोबारा से ये कैसे खाने लग गए भाई, बहुत पसंदीदा फूड है ये। अभी ये दाना देखो खा रखे हैं, तब भी उसके साथ साथ ये खा रहे हैं, ठीक है भाई। अपने कबूतरों के डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो, और कबूतरों को भाई बहुत फ़ायदा मिलता है इससे, ठीक है। बाकी भाई वीडियो कैसी लगी और कैसी, भाई ये सर्दी गर्मी जब मर्जी आपको तब दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि गर्मी देना है या सर्दी देना है, या आप भाई अपने कबूतरों के अंदर जब चाहे जब दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ ये दाना, ठीक है। ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम रागी, ठीक है बड़े भाई। फिर भाई ऐसे ही किसी और नॉलेजबल वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं, ठीक है। अभी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भाई शेयर ज़रूर करें कि और भाइयों को फ़ायदा हो जाए जिसे नहीं पता हो, ठीक है। बाकी भाई ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपके नॉलेज में इजाफा करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, छोटी सी वीडियो थी भाई एक फूड के वो खाने के ऊपर, कि कबूतरों को भाई कई कमेंट आते थे कि क्या दे गर्मी में क्या ना दे, तो भाई ये तो अपने कबूतरों में ज़रूर दे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाकी ऐसे ही भाई प्यार बनाए रखें।